अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी गर्ल फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये मैंने पेटी की कटिंग पहले से कर ली है। इसको हमने ऊपर से पहले अरेब सीधा कर लेना है। इसको हमने इस तरफ रखना है। इसकी लेंथ हमने लेनी है 12 इंच। इसका शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंच। ये तकरीबन 5-6 साल की बच्ची की फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। इसका आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंच। और इसको हमने ऐसे राउंड करना है। ऊपर से हम लेंगे 0.5 इंच। इधर हम तिरछी लाइन मार्क कर लेंगे। चेस्ट का निशान हम लेंगे 8.5 इंच। कमर का निशान हम लेंगे 7.5 इंच। और इसे हम ऐसे लाइन मार्क करेंगे। बाहर की तरफ से हम सिलाई का मार्जिन छोड़ लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इन्हें अलग कर लेंगे। इसका हम नेक कटिंग करेंगे। नेक की लेंथ हम लेंगे 2.5 इंच। इसकी विड्थ हम लेंगे 2 इंच। और इसे हम ऐसे गोलाई में करेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड से हमने आर्म होल की हल्की हल्की कटिंग और करनी है। अब हम इसके बैक नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड हम इसके ऊपर रखेंगे। विड्थ हम फ्रंट नेक के बराबर लेंगे। और इसकी लेंथ हमने 1 इंच लेनी है। अब हम इसकी बटन टेक बनाएंगे। इधर हम एक कट लगा लेंगे 3.5 इंच पर। ये मैंने कट लगाया है। अब हम इसकी नीचे वाली कलियां कट करेंगे। इसकी लेंथ हमने लेनी है 24 इंच। विड्थ हमने लेनी है 8 इंच। ऊपर से हम इसकी सीधी कली रखेंगे। ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। अब हम इसे ऐसे फिर फोल्ड कर लेंगे। नीचे से हमने इसकी नोक बनानी है। ऐसे हमने नोक वाली कली लगानी है। इधर से हमने 3 इंच पर मार्क किया है। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। और इसको हम खोल के रखेंगे। इन कलियों को हम अलग कर लेंगे। अब हम फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने 5 कलियां ली हैं। 5 कलियां मैंने बैक पर लगाई हैं और 5 हम फ्रंट पर लगाएंगे। इसको हमने खोल के ये सारी कलियों को हमने स्टिच कर लेना है। ये कली इसके ऊपर रखेंगे। ऐसे रखे इसे हम स्टिच कर लेंगे। नीचे से हम पहले इसे बराबर करेंगे। ऐसे हम बराबर करके इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, नीचे से हमारी ये शेप में कलियाँ आएंगी। अब हम दूसरी कली को फिर इसके साथ अटैच कर लेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। पहले हम इसे सिंगल फोल्ड करेंगे। ऐसे हमने इसे सिंगल फोल्ड करना है। बाद में हम इसे डबल फोल्ड करेंगे।
नीचे से हमने इसकी नोक बनानी है। ऐसे हमने सारी कलियों को नीचे से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। ऐसे हमने इसे बारीक बारीक डबल फोल्ड कर लेना है। ऐसे हमारी कली अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगी। ये देखिए मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हमने ऊपर से बड़ी सिलाई का बगा करके सीधी सिलाई लगानी है। अब हम साइड से सिलाई को खींच लेंगे और इसके हम चुनट्स डाल लेंगे। इस तरफ से भी हमने सेम उसी तरह सिलाई को खींचना है और इसके हमने चुनर्स डाल लेने हैं। ऐसे हमने सारे चुनर्स को बराबर कर लेंगे। अब हम अपनी फ्रंट पेटी लेंगे, इसको इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे। चुनर्स को हम ऐसे सेट करते जाएंगे, सारे चुनर्स हम एक बराबर के कर लेंगे और इसे हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसके फ्लावर बना के लगाए हैं। अब हम इसका नेक बनाएंगे। पहले हम नेक को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे हम इसे बराबर करके रखेंगे। ये मैंने फैब्रिक पट्टी ली है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके हमने ऐसे रखना है, नेक इसके ऊपर रखेंगे और जो हमारी फ्रॉक का नेक है उसके बराबर ही हमने ये फैब्रिक पट्टी के ऊपर भी नेक कटिंग करना है। बाहर की तरफ से हमने इसे 1 इंच के फासले पर कटिंग कर लेना है। इसको खोल के हम फ्रॉक के नेक के ऊपर स्टिच करेंगे। ऐसे हम इसके ऊपर रख के सेट करेंगे और इसको हम स्टिच कर लेंगे। हम इस तरफ रख के नेक के अंदर नोचेज लगा लेंगे। इसको हम उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके इसकी हम तुरपाई कर लेंगे। ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे और इसकी हम तुरपाई करेंगे। ये देखिए नेक की तुरपाई मैंने कर ली है। अब हम इसका बैक नेक बनाएंगे। ये मैंने अरे पट्टी ली है,
इसको हमने बैक नेक के ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। ये पट्टी की विड्थ मैंने ली है 1 इंच। इसको हमने ऐसे रख के स्टिच करना है। इधर हमने इसके ये लूप्स लगानी है। लूप को हमने फोल्ड करके ऐसे रखना है। जितना हमारे बटन का साइज़ है उस साइज़ के मुताबिक हम लूप्स रखेंगे। अब हमने पट्टी को इस तरफ लगाना है। इधर से हम एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग करेंगे। इसके नेक पर हम नोचेस लगाएंगे। ये पट्टी को हम हल्का सा कट लगाएंगे और इसे हमने उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करना है। ये देखें, इसको हम फोल्ड करके इसकी तुरपाई करेंगे। ये देखें, नेक की तुरपाई मैंने कर ली है। हमारी ऐसे गुम लूप्स आई हैं। अब हम इसे सीधा रखेंगे। ऐसे रख के हमने इसकी फ्रंट साइड रखनी है और इसके हमने शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। इधर से हम सिलाई को पक्का करेंगे। सेम इसी तरह इस शोल्डर को भी हमने स्टिच करना है। इस तरफ से भी हम पहले सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब हम फ्रॉक के स्लीव अटैच करेंगे। देखिए, फ्रॉक मेरी सिल के रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।